कम से कम 1000 से भी ऊपर सीढ़ियां हैं ये टोटल। और मेरे को हम लोगों ने अपना सामान वगैरह पूरा जो बाइक्स पे है भाई लोड कर दिया पूरा, और अभी हमारा निकलने का प्लान है सियाचिन बेस कैंप के लिए। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। डे 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप गाइस आप सभी लोग यार बढ़िया होंगे। तो भाई आज देखते हैं हमारा डे 4 कैसा जाता है। और यहाँ से पड़ेगा हमको सियाचिन बेस कैंप 200 किलोमीटर। तो अभी देरी नहीं करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा पहले से हम लोग लेट हो चुके हैं। और भाई जल्दी से अपने यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में रुक के अपना फ्यूल वगैरह जो है बाइक के अंदर वो टॉप अप करा लेते हैं, और अपना चाय वगैरह पी के और सीधा भाई लगाएंगे सियाचिन बेस कैंप के लिए। रास्ते में खान दुंगला वगैरह रुकेंगे और फोटो वगैरह खिंचवाएंगे और भाई अपना वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर। तो भाई बाइक हो चुकी है अपनी फुल्ली लोड, और ग्लव्स भी मैंने चेंज कर लिए हैं, पहन लिया अपने भाई विंटर वाले ग्लव्स। तो यहाँ से चलते हैं भाई अभी सीधा खान दुंगला टॉप होते हुए। पहले भाई ये ले सिटी से बाहर निकलते हैं। और भाई देखो सुबह सुबह का ना मौसम कितना प्यारा है, जल्दी निकलने का ही फायदा है, तो भीड़ कम रहती है ना रोडों के ऊपर। और बढ़िया कह सकते हैं अभी हम लोग ना, रोड खाली मिलेंगे और बढ़िया। और भाई ये पुलिस किस लिए खड़ी है यहाँ पे? Base camp. Today is road close. Road close? Yes. Due to a marathon. So marathon. It's coming Khatongla to Lake. 72 km. Yesterday night, 3 a.m. He walked starting. Today is road close. You go tomorrow. Marathon to Sunday ko dhuna. Huh? Marathon to Sunday ko. Aaj. Aaj. Ek hafta chal raha hai marathon. Hale hale. Aap par live kar rahe hain. Live nahi hota hai, bas record hota hai. तो भाई लोगों ये रास्ता तो है भाई बंद, अभी चलते हैं वापस भाई हॉस्टल चले, या फिर एक रास्ता और भी है। मैंने कल होटल वाले भैया से पूछा था, तो भाई उस वाले रास्ते से ट्राई करते हैं एक बार, अगर बन जाएगी तो बात, क्या पता वो रास्ता ओपन हो तो वहाँ पे चलते हैं एक बार। तो भाई आ चुका हूँ दूसरे वाले रास्ते के ऊपर, और भाई यहाँ से ट्राई करके देखते हैं अगर बनती है तो बात इस वाले रास्ते से, क्योंकि वो वाला जो रास्ता था वो भी आके आगे पेट्रोल पंप के पास ही मिल रहा था भैया बता रहे थे। और ये वाला देखते हैं यार एक बार, अगर बस खुला मिल जाए ना एक बार तो पहुँच जाएंगे भाई, फिर नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। और ये देखो भाई, एक तो ना रोड देख रहे हो भाई आप लोग, पहाड़ों में भी इतने अच्छे रोड, इतने अच्छे रोड तो अपने गुड़गांव दिल्ली में भी नहीं होते भाई, प्लेन एरिया में भी। तो मेरे प्यारे भाई लोगों ये रास्ता भी भाई बंद है, तो भाई दोनों रास्ते खानदोंगला जाने वाले बंद हैं। तो अभी तो भाई एक ही रास्ता है कि अपने हॉस्टल में चलते हैं, वहाँ चल के कुछ खाते पीते हैं आराम से, बाकी मेरे जब रास्ते खुलेंगे। ये अपने लिए खुला एक ही रास्ता, वो है भाई वापस चल के अपने हॉस्टल में चलते हैं, और वहीं चल के भाई कुछ ब्रेकफास्ट अपना लेते हैं बढ़िया। उसके अलावा भाई तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं। और भाई लोगों देख रहे हो ना लद्दाख पुलिस के पास ही भाई हिमालयन है, यहाँ पे टूरिस्ट के पास हिमालयन है, तो भाई लद्दाख पुलिस भी हिमालयन रखती है।
तो भाई ये है अपनी ले सिटी, और सुबह सुबह का नज़ारा देखो भाई। तो भाई इधर है अपना लद्दाख जो मैराथन चल रही है उसका फिनिशिंग पॉइंट। तो भाई इधर एम्बुलेंस वगैरह भी देखो काफ़ी खड़ी हुई है। अभी वापस जाने के लिए भी देखना पड़ेगा, आते समय तो निकल के आ गए थे गलियों में से, अभी जाते समय देखना पड़ेगा भाई लोगों कहाँ से निकलते हैं। गाइज एक सीन हो गया हम लोग के साथ कि भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे थे खानदुंगला से होते अपने सियाचिन बेस कैंप के लिए आज, और भाई रास्ते में हमको पुलिस चेक पोस्ट पर रुकवा लिया कि भाई क्योंकि आज वो आगे किसी को भी छोड़ नहीं रहे इस रूट के ऊपर क्योंकि आज चल रही है भाई लद्दाख मैराथन। तो गाइज हम लोग फिर अपने बाइक बुक लेके अपना वापस आ गए अपने हॉस्टल के अंदर ही, यहाँ पे करते हैं भाई ब्रेकफास्ट और भाई फिर उसके बाद घूमते हैं भाई लेह सिटी वगैरह घूम लेते हैं या फिर भाई कुछ और प्लान करते हैं क्योंकि आज इस रूट पर तो जा नहीं पाएंगे। और भाई और कहीं जाने का हमारे लोगों का प्लान था नहीं, और किसी रूट पे लाइक पेंगोंग एंड ऑल कहीं जाने का प्लान नहीं था, बस यही प्लान था कि आज यहाँ पे जाएंगे सियाचिन बेस कैंप जाएंगे वहाँ से वापस आ जाएंगे ले। तो भाई अभी देखते हैं क्या प्लान करते हैं, ले घूमते हैं या फिर कहीं और का प्लान करते हैं, देखते हैं भाई। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं क्या करते हैं हम लोग। तो गाइस ब्रेकफास्ट मंगा लिया भाई हम लोगों ने, आलू के परांठे और चाय और गैर ले लेंगे अचार। भाई गोस्ट ऑफ हॉस्टल से अपना सामान लेके हम लोग आ गए हैं ले सिटी में, हमने एक होटल रेंट किया है वहाँ पे आ गए हैं भाई, और अपना यहाँ पे सामान सामान सब रख दिया और भाई एकदम से नहा के फ्रेश हो गया हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ शांति स्तूपा घूमने के लिए। बाकी भाई होटल का एक आपको व्यू मैं दिखा देता हूँ भाई, इस साइड में अपना रूम है इस साइड में, बाकी ये कुछ सीटिंग एरिया वगैरह है और बाहर की साइड में हम लोग चलते हैं। बाकी अपनी बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी दोनों साइड में, बाकी इनके पास पार्किंग भी भाई होटल की, वहाँ भी हम लोग खड़ी कर सकते हैं। और होटल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये होटल है जिसमें हम लोगों ने आज रूम लिया है, और ये कुछ अंदर साइड का व्यू है, बीच में वाइट गार्डन वगैरह है, सीटिंग एरिया वगैरह है, और यहाँ पर रिसेप्शन है इसका। और ये जो होटल है भाई बिल्कुल ले सिटी के अंदर ही है, आप लोग देख सकते हैं पूरी ले सिटी है, यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं पूरी। तो अभी चलता हूँ भाई सीधा शांति स्तूपा, वहाँ पे घूमता हूँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करके आता हूँ शांति स्तूप, आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ले मार्केट पूरी। तो अपना सामान लेता हूँ और बाइक की चाबी लेता हूँ भाई अंदर से, और निकलता हूँ सीधा शांति स्तूप। तो अभी चलता हूँ भाई शांति स्तूप, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, और उसके बाद आएंगे फिर घूमेंगे हम लोग, फिर उसके बाद भाई हम लोग घूमेंगे फिर ले मार्केट में, और वहाँ भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके की मार्केट है और क्या क्या सामान हम लोगों को मिल जाता है। भाई पीछे की साइड में तो रोड जो है वो क्लोज है क्योंकि आज लद्दाख मैराथन चल रही है, उसके चक्कर में हमारा पूरा दिन भी आज खराब हो गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा इस साइड से लंबा घूम के और फिर निकलना पड़ेगा शांति स्तूपा के लिए। भाई अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है मैंने, और अभी चलता हूँ यार ऊपर, ये ऊपर जो देख रहे हो वो है भाई शांति स्तूपा, और उसके लिए यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है, और एक रास्ता भी आता है पीछे की साइड से, अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हो गाड़ी लेके जाना चाहते हो पीछे की साइड से भी जा सकते हो, तो उसमें आपको इतना लंबा ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, पर मैं जाने वाला हूँ कुछ हज़ार से भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं ये पूरी। भाई अपना हेलमेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है और हमारा टैंक बैग टांग लिया पीछे, तो अभी चलते हैं करते हैं ट्रैक, कहाँ से है रास्ता, अच्छा ये रहा। देखो भाई वो रोड के लिए जो मैं आपको बता रहा था ना वो रोड भी ऊपर जाता है, पर भाई मैं रोड नहीं जा रहा, मैं अपना ट्रैक करके जाऊंगा यहाँ से, बाइक मैंने नीचे पार्क कर दी अपनी, कम से कम हज़ार से भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं ये टोटल, और मेरे को वहाँ पे जाना है। भाई देखो कहाँ था और कहाँ था, कितनी सीढ़ी चढ़ के आ गया हूँ मैं, अभी थोड़ी सी और बची है वहाँ तक जाने के लिए। कोई नहीं, भोले बाबा का नाम मिलेगा चढ़ जाएंगे। भाई पूछ रहा हूँ शांति स्तूपा, और ये पीछे देख सकते हो मेरे पीछे ये भाई कैफे, यहाँ पे अंदर घुसते पहले कैफे मिला मेरे को, और अभी और ऊपर चढ़ाई। देखो एक ये रास्ता है नीचे की साइड से आता है, गाड़ी लेके आनी है तो आपको, और ये ऊपर की साइड में है यहाँ से। भाई ऊपर चलते हैं, ये बुद्धा का टेम्पल है यहाँ पे, और मेडिटेशन हॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो भाई अंदर बुद्धा का टेम्पल है इसमें, और ये है भाई शांति स्तूपा। तो भाई इसके ऐसे गोल गोल चक्कर से लगाते हैं लोग, पता नहीं किसी लगाते हैं, पूछता हूँ भाई किसी से। ये है भाई लद्दाख का शांति स्तूपा,
11,841 फीट के ऊपर है ये अल्ताक शांति स्तूपा बुद्धा की, उसमें भाई कुछ बनाया गया, ये वर्ल्ड हाईएस्ट शांति स्तूपा है भाई ये। बाकी भाई कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। तो वैसा भी चलता हूँ भाई अंदर, अंदर चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये अपने गौतम बुद्ध की यहाँ पे बनाई गई है, और बाकी भाई ऐसे लोग बाग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ। तो भाई ये था शांति स्तूपा, और आप लोगों ने देखा भाई ऊपर से एक अपने गौतम बुद्ध भगवान की तस्वीर थी, और बाकी भाई ऐसे लोग वक्त चक्कर लगाते हैं इसके। और फिर भाई मैं तो अपने जूते जाते पहन के आ गया नीचे की साइड में, अभी चलता हूँ यार बस यही है इधर साइड में। बाकी यहाँ से ले पूरी सिटी दिखती है, तो भाई लोग भगाते हैं उसके लिए भी देखने के लिए ऊपर की साइड से। तो अभी चलते हैं अपनी बाइक के पास और भाई निकलते हैं अपने ले सिटी में। अभी भाई देखो कहाँ जाना है मेरे को, नीचे की साइड में देख रहे हो उधर उधर तक ये ट्रैक करके नीचे पर उतरते हुए। शांति स्तूपा से वापस आ चुका हूँ अभी अपने होटल में, और अभी चलता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ भाई ले मार्केट पूरी। तो भाई चलते हैं गाइस। सो भाई मैं आ चुका हूँ अभी ले बाज़ार के अंदर, और आप लोग को दिखाता हूँ जो मेन मार्केट है ना ले की, जो सबसे मेन मार्केट है और न्यू मार्केट ले की है। तो भाई देखो ये लिखा हुआ आई लव ले, और यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल मना है, उसके लिए यहाँ पे फाइन भी लग जाता है अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो। बाकी देखो यार इस साइड में कुछ वही ना मतलब ब्रेसलेट वगैरह उस टाइप में मिल रहा है, ये भाई कुछ कुर्ती वगैरह इधर है। और आपको एडवेंचर वगैरह का भी सामान चाहिए ना, स्लीपिंग बैग वगैरह, तो आपको उधर साइड में मिल जाएगा। और ऊपर देख सकते हो कैफे है, और ये है भाई तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट, जो मैं कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल वाले ब्लॉग में मैं गया था इस वाली मार्केट में रात के टाइम पे। और भाई SBI भी है इधर, ये ATM है भाई, अगर पैसा पूछा निकालना है तो आपको। बाकी भाई आपको शॉल वगैरह चाहिए या फिर कुछ कारपेट वगैरह चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे सोप वगैरह है। और बाकी भाई देख सकते हो पूरे कैफेज हैं ऊपर की साइड में, और ये भाई आगे तक है मार्केट, उसके बाद फिर वो गलियों में चालू हो जाती है भाई उधर। ये भाई जामा मस्जिद है अपनी लेगी, वही साइड में चलेंगे तो। और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की शॉप आ जाती हैं, और वही लास्ट तक मार्केट है उधर, उधर साइड में टैक्सी स्टैंड है और बस स्टैंड टाइप में आ जाता है उधर आगे आगे की साइड में। और ये मैराथन वगैरह थी ना, उसके लिए लगा के रखा था इन लोगों ने आज ये बैरियर्स। इतनी भीड़ वैसे दिखती नहीं है यहाँ पे, कुछ भीड़ ज़्यादातर तो उसकी वजह से भी है ना कि अपने जो मैराथन वाले बंदे आए हुए ना पूरे ऑल ओवर द इंडिया से, कम से कम 2,500 बंदे तो उसे उसके मैराथन लिए के लिए आए हुए थे। अभी लद्दाख मैराथन के लिए कम से कम 2,500 बंदे आए हुए थे भाई, उसके चक्कर में भी कुछ ज़्यादा भीड़ है। मार्केट में घूम घाम के भाई मैं आ गया तो वापस अपने होटल में, और अभी खाना खा रहे थे मैं और आकाश भाई दोनों। तो भाई खाना वगैरह आ चुका अपना, तो दिखा देता हूँ क्या ऑर्डर किया हम लोगों ने आज डिनर में। और बाकी भाई मार्केट में तो बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाया, बस इतना ही शूट कर पाया। तो भाई हम लोगों ने मंगाया, ये क्या भाई आकाश भाई?